हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। अभी भी हमारे सामने ये खबर आई है कि एक्चुअली में पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है और उस ट्रक में उसने 1 करोड़ रुपए की शराब भी पकड़ी है और ये पेटियां कम से कम 1223 थी। और अभी वो आरोपी का क्या हुआ है, चलिए जानते हैं पूरा मामला कहां का आ रहा है, हम उसके बारे में आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। उत्तर प्रदेश के बागापट से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी और नाकाबंदी के दौरान काफी सारे वहां पर गाड़ियां निकल रही थी। उन्होंने अचानक से देखा कि एक ट्रक आ रहा है और वो ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे और ट्रक को जब उन्होंने हाथ दिया और आवाज लगाई कि वो ट्रक को रोक दे, पर वो ट्रक रुका नहीं, वो ट्रक ड्राइवर ने उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा ली। पर कैसे न कैसे करके पुलिस वालों ने उस आदमी को दबोच लिया और दबोचने के बाद उस आदमी का नाम पता चला है कि आकाश है और उस दौरान ही उस ट्रक में काफी सारी तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद पता चला कि उसने काफी नीटली तरीके से इन जो कि शराब की पेटियां थी उसको प्लाईवुड के नीचे छुपाया हुआ था, जो कि कम से कम 1223 जो पेटियां थी वो अभी तक बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का ये दारू थी और ये इंग्लिश दारू थी। और उसी के साथ साथ ये भी सब चीजें पता चली है कि अभी जो वो सब चीजें हैं जब तलाशी हो रही थी उसी दौरान एक लग्जरी गाड़ी को भी पकड़ा गया जिसमें 40 पेटियां निकली हैं। अभी तक ये पुलिस ने ये सब चीजें करते वक्त 8 करोड़ की शराब पकड़ ली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में शराब बंद है और उसी दौरान ये जो सब चीजें थी तस्करी की जा रही थी, ये सब शराब बिहार में लेके जाया जा रहा था और उस दौरान अभी ये पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और कोशिश कर रही है कि बिहार में इतना ज्यादा सप्लाई ये सब चीजें बंद हो जाए। हर जगह पर रेड मार रही है, नाकेबंदी लगाई जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, पर लोग नए नए तरीके अपना के बिहार में शराब पहुंचा रहे हैं। तो गाइज अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं कि आप लोगों को शराब आसानी से मिल जाती है या आप लोग कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ लगा के शराब लेते हैं, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और ये भी जरूर बताइए क्या आप लोगों को लगता है कि बिहार में जो बंद हो गई है शराब, ये हर जगह पर बंद होनी चाहिए? अगर आपका भी ये फैसला है कि हर जगह पर बंद होनी चाहिए तो बताइए जरूर, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।